दिन कई लड़कियां हैवानियत का शिकार होती हैं। बच्चों के साथ अगर कुछ भी गलत सही होता है तो आकर अपने पेरेंट्स को बताते हैं, क्योंकि पेरेंट्स पर उनको भरोसा होता है कि वो जो भी बताएंगे सही ही बताएंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर पेरेंट्स ही बच्चों के साथ हैवानों जैसे पेश आए तो बरेली जनपद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जेल से छूटकर एक शख्स ने अपनी मासूम बेटी के साथ रेप किया। वो मासूम बेटी जिसकी उम्र मात्र 9 साल की थी। शख्स की इस हैवानियत में उसकी पत्नी ने भी साथ दिया। बेटी की आवाज कोई सुन न ले, इसलिए महिला बच्ची का मुंह दबाए रखी। वारदात का खुलासा होने पर इलाके के लोग हैरान रह गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र में एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने हैवान बनकर अपनी 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को तार तार कर दिया। इस हैवानियत में उसकी पत्नी ने भी साथ दिया। दरअसल उसकी पत्नी मासूम की सौतेली माँ है। इस सनसनीखेज मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता और सौतेली माँ को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पिता कोरोना काल में पास्को एक्ट के तहत एक मामले में जेल गया था। वहां से छूटकर आने के बाद अब उसने अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना क्षेत्र बहेड़ी के एक गांव के व्यक्ति ने रेप का केस दर्ज कराया है। बयान के आधार पर आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर साल 2017 में भी धारा 354 और 366 कार्रवाई हो चुकी है। इस प्रकार के मामले में वो हल्द्वानी जेल भी जा चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जब परिवार के अन्य लोगों को हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहले आरोपी को घर ले गई और अपराध में सहभागी उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ हल्द्वानी और बरेली में भी पास्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज है।